The Jamal is back again. Welcome to Entertainment Gossip. यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव और अभी अपन रिव्यू करने जा रहे हैं खुदा हाफिज चैप्टर 2 के ऑफिशियल ट्रेलर का। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय फारूक कबीर, स्टारिंग विद जामवाल, शिवालिका ओबराय, दानिश हुसैन एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग हमारे शहर लखनऊ में हुई है। जी हाँ, और एक बात और मैं कह सकता हूँ आपकी, विद्युत जामवाल ने अपने अंदर जो ड्रास्टिक इम्प्रोवाइजेशन और ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं ना एज एन एक्टर, वो काबिले तारीफ है। और अब वो अच्छे खासे एक्टर बन चुके हैं, उन्होंने अपने आप को काफी निखार लिया है। शुरुआत में जब वो आए थे तो कहा जाता था कि ही इज अ कैपेबल जस्ट फॉर एक्शन, बट नाउ एक्शन के साथ साथ उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स पर इतना बेहतरीन वर्क किया है ना, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही काबिले तारीफ है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं एज एन एक्टर अब विद्युत जामवाल अपने आप पर। और खुदा हाफिज चैप्टर 2 का ट्रेलर देखने के बाद मैं आई कैन से दैट कि यार बहुत निखार आया है पहले से और अब में। उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ज्यादा निखर चुकी है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेलर, सो ट्रेलर में इस बार खुदा हाफिज चैप्टर 2 में इनकी बेटी किडनैप हुई है, खुदा हाफिज चैप्टर 1 में इनकी वाइफ किडनैप हुई थी। और वहां पर भी स्टोरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से डायरेक्टर ने नरेट किया था। और यहाँ पर भी मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, कह सकते हैं कि विद्युत जामवाल की मे बी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है तो मूवी ऑन बॉक्स ऑफिस उतनी हिट ना हो, बट क्रिटिक्स के वे में ये मूवी अच्छी और सूदिंग साबित होने वाली है, डेफिनेटली आई कैन से दैट। क्योंकि विद्युत जामवाल का जो इम्प्रोवाइजेशन है अपनी एक्टिंग स्किल्स पर वो शानदार है, और जो फाइटिंग सिनेमैटिक शॉट्स हैं इस ट्रेलर में हमने देखे वो शानदार हैं। और आपको तो पता ही है कभी कभी विद्युत जामवाल खुद ही सारे फाइटिंग सीन्स डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ये हम भली बात ही जानते हैं। हो सकता है इस मूवी में भी उन्होंने बीच बीच में एक्शन डायरेक्टर के साथ अपनी चीजें दी हों, राइट। बाकी यहाँ पर बचता है कि जो मेन ट्विस्ट होगा वो आखिर एक ट्विस्ट क्या होगा जो इस स्टोरी को और भी शानदार बनाएगा। वैसे मुझे लगता है कि ये मूवी वन टाइम वॉचेबल डेफिनेटली होगी कि आखिर वो ट्विस्ट क्या होगा। और विद्युत जामवाल के जो फैंस हैं, यानी कि विद्युत क्या बोलते हैं, कुछ हैशटैग भी देते हैं, आई ट्रेंड लाइक विद्युत एंड जामावलियंस, कुछ ऐसा करके टैग है उनका, राइट। सो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है विद्युत, अब तो एज एन एक्टर भी ये मेरे को अच्छे लगने लगे हैं खुदा हाफिज चैप्टर 1 से। और एक और इनकी मूवी आई थी द पावर, हाँ, श्रुति हसन के साथ, द पावर भी बहुत ही शानदार मूवी थी, और ये मूवी भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि विद्युत जामवाल अब शानदार एक्टर भी हो गए, शानदार एक्शन मास्टर के साथ साथ, राइट। सो ये था आज का ट्रेलर रिव्यू, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और